अगर सवारी चढ़ेगी तो साथ के साथ हेलमेट लेके परिचालक वहीं बैठा रहेगा। थूक वाला बंदा, और विसल कैसे बजाओगे? विसल तो वो सब बजानी नहीं पड़ती जी। जोखिम तो डिस्टेंस तो रखते हैं जी, इन दो सीटों से पीछे पीछे रखते हैं सवारियों को। डर भी तो लगता होगा अभी वायरस ना चपेट में ले ले। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। इस समय मैं मौजूद हूँ यमुनानगर बस स्टैंड पे, और आपको बताया कि बस स्टैंड में जो बसें हैं अब शुरू हो चुकी हैं, बस सेवा शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की शान, हरियाणा की बसें जो है खड़ी हैं यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए। या संडे है लेकिन यहाँ पर रश बहुत कम है, लेकिन जो पहले जैसी व्यवस्थाएं हैं वैसे ही हैं, लेकिन बसों का बेड़ा जो है वो कम कर दिया गया। जहाँ पर 150 बसें चलती थी वहाँ 25-30 बसें ही चल पा रही हैं। ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए विशेष हिदायतें दी गई हैं, अगर बिना मास्क के आप सफ़र करेंगे तो आपको बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। और बीमारी से बचने के लिए काफ़ी जो है बसों को सैनिटाइज भी किया जाता है सुबह एक बार और शाम को। लेकिन अभी जो है रोडवेज काफ़ी घाटे में चल रही है, सिर्फ जो बस में 53 सीटें होती हैं वहाँ पर सिर्फ 30 और 35 जो हैं वही सवारियाँ जो हैं बैठने को मिल सकती हैं। और आप देख सकते हैं खिजराबाद, जागधोली, अम्बाला कैंट, सढ़ोरा, रंजीतपुर, अम्बाला, करनाल व एक आधी बस जो है वो पानीपत तक जा रही है। लगातार यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरीके से बसों का बेड़ा जो है यहाँ पर खड़ा है, सवारी के इंतज़ार में है। लेकिन सवारियाँ जो हैं कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते जो है लोग बसों में सफ़र करने में गुरेज कर रहे हैं। वहीं रोडवेज की अगर बात करें तो काफ़ी लाखों करोड़ों का घाटा जो है रोडवेज इस वक्त झेल रही है। बसों की कमी जो है वो है क्योंकि बस पूर्णतः जो है रोड पर नहीं चल पा रही। ऐसे में आपको आज बस स्टैंड का दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये आप जैसे कि बस देख सकते हैं हमारा सढ़ोरा की है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार जो है बसों के अंदर की सवारियाँ जो हैं वो दिखा दीजिए। ये वो बस स्टैंड है जो इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है सवारियाँ हुआ करती थी चाहे सहारनपुर की। अब ये देख लीजिए, ये बस बिल्कुल खाली है, कोई सवारी नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरी बस का दिखाता हूँ कि किस तरीके से बसें जो हैं यहाँ से सहारनपुर के लिए थी, अन्य राज्यों के लिए बाहर से पंजाब अम्बाला के लिए जो बसें चलती थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर सढ़ोरा की मेरे शहर बिलासपुर की बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अंदर एक बार दिखा दीजिए कि कितनी सवारियाँ जो हैं इस वक्त बस में बैठी हुई हैं। बिल्कुल जो है कम सवारियाँ जो हैं, एक दो सवारी, ऊपर चलो, ऊपर चलिए आप, एक दो सवारी जो है वो बैठी हैं। जरूर इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाह रहे हो? बिलासपुर जी। बिलासपुर कहाँ से आए हो? गूगलो से। गूगलो से पहले भी आज ही सफ़र कर रहे हो बस में कि लॉकडाउन के बाद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर से बैठे हैं आप? यहाँ 1:30 बजे बैठे जी। 1:30 बजे, 5 बज गए हैं अभी, जा नहीं रहे। जाना कहाँ आपने? बिलासपुर। तो अभी सवारी भरेगी दब जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 1:30 बजे का ये बता रहे हैं कि बैठे हैं, और यहाँ पर अंदर देखते हैं कि कितने लोग हैं। ड्राइवर भाई भी हैं हमारे साथ, कनेक्टर भाई जी। राम राम। राम राम जी। आप ड्राइवर हैं, कनेक्टर हैं? ड्राइवर हैं जी। किस रूट पे चलते हैं? मैं अम्बाला टू दिल्ली चलता हूँ जी। तो अब लॉकडाउन में क्या हालात हैं? हरियाणा रोडवेज की शान अब तो कम ही चल रही है, क्या बात? हरियाणा रोडवेज का तो ऐसा हालात है जी, हमें बचना मुश्किल हो रहा है, बीमारी ऐसी चल रही है जी। अच्छा, अब गाड़ियों के बारे में क्या बताएं, गाड़ी में सवारी इतनी है जी, कोई लिमिट नहीं। एक मिनट खड़ी करते तो गाड़ी में कोई लिमिट नहीं, इतनी सवारी भर जाती है। हाँ जी, हाँ, बहुत सवारियाँ होती हैं जी। शासन तो कह रहा है कि 35 से ज्यादा नहीं बिठानी है सवारी। बिठाते थे, झगड़ा करते हैं जी, फिर क्या करें जी, उनको जबरदस्ती क्या बोल रहे जी। डेली चल रहे हो आप? डेली चल रहे हैं जी। तो सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आपको हिदायत, कुछ आपकी व्यवस्था के लिए कुछ दिया? व्यवस्था सैनिटाइजर दिया है, मास्क दिया है, और कुछ डिस्टेंस दिया है, भाई सवारियों को पीछे रखना है। और जो सवारी मास्क नहीं डाल के आते चढ़ने देती हो बस में कि नहीं? नहीं, उनको जो सैनिटाइजर भी करते हैं साथ के साथ। अच्छा, कनेक्टर जो है? हाँ जी, हाँ, कराते हैं। ये आपकी बस है? हाँ जी। अंदर से दिखाएंगे किस तरीके से आपने व्यवस्था कर रखी है। तो ये आप देख सकते हैं अम्बाला की बस है, ड्राइवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ये सवारियाँ यहाँ पर आती हैं तो आपके पास क्या, कहाँ सैनिटाइजर देते हैं? हाँ जी, बस होती है ना, तो आपको ड्राइवर को, कनेक्टर को सैनिटाइजर दिया गया? हाँ जी, देख सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज ड्राइवर भाइयों के लिए पीपी किट वगैरह कुछ मिली आपको? हम तो अपना अपना यूज करे, हमारे पास तो सरकारी सैनिटाइजर कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, हम तो अपना ले रहे हैं। जीएम साहब ने तो बोला है कि सभी बसों में सैनिटाइज दिया, तो अपना अपना दिया है।
जोखिम तो डिस्टेंस तो रखते हैं जी, इन दो सीटों से पीछे पीछे रखते हैं सवारियों को। हाँ जी, 30 के लगभग सवारियां रखते हैं। आप कंडक्टर साहब हो, जैसे मान लो कोई मास्क नहीं लगा के आएगा तो बस में उसको सफर करने दिया जाएगा? तकरीबन बस में मास्क वगैरह कपड़ा वगैरह लगा के सभी आते हैं जी, 80% है, इसमें तो कोई इशू है नहीं। बिल्कुल, चलिए आगे। तो हमारे साथ कंडक्टर हैं भाई जी, ये अभी ऑनलाइन टिकट कट रही है कि आप कैश ऐसे ही ले रहे हो? पहले सर ये दोनों ही कट रही है जी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो कैश वगैरह कैसे लेते हो आप? कैश तो सर ऑनलाइन का तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, जो मैनुअली है वो नगद दे रही है सवारी। तो मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह यूज करते हो आप? हाँ वो यूज कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मिला कि अपना लगाया ये? बस अपना लगाया भाई। तो बस में सैनिटाइजर मिला आपको? वो अंदर वर्कशॉप में सैनिटाइज होती है। नहीं, सवारी को जैसे आपने 100 का नोट लिया, 500 का आप खुले दिए, टिकट को कभी थूक लगा के आप बांट के दोगे? उसके लिए वो नहीं है जी। वो अलग, फिर भी कहीं ना कहीं अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हो ना इसमें। हमने सैनिटाइजर डाला तो इसी से आप वो करते हो, मतलब थूक वाला सिस्टम मत करना। थूक वाला बंद है। और विसल कैसे बजाओगे? विसल तो वो सब बजानी नहीं पड़ती जी, विसल के लिए तो जी। विसल मेरा आपसे गुजारिश है, अगर आपका कोई भी सरकारी रोडवेज के कर्मचारी GM साहब या DGM साहब देख रहे हैं, तो विसल के लिए कुछ अलग से कुछ ऐसा कोई प्रावधान दिया सरकार ने, कुछ अल्टरनेट दिया आपको विसल? अभी तो कुछ, क्योंकि विसल आपने यहाँ टांग देनी है, थोड़ी देर बाद फिर आपने विसल बजानी है, फिर वो हाथ लगते हैं, तो वो बहुत वो तो प्रॉब्लम है जी। विसल बजाने की, हाँ जी, बजा रहे हो ना? बजानी देख सकता हूँ आपकी विसल, अभी देख सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं नोटों के साथ ही रखी होगी आपने? नहीं, इकट्ठी है जी, पंच के साथ ही होती है। पंच के साथ ही, तो ये इसमें पता नहीं कैसे कैसे हाथ लग रहे हैं अंदर, ये बाहर लटकाए तब भी लगते हैं वो तो सारे के सारे, जैसे सवारी के आप पास से निकलोगे तब भी लगेंगे। तो प्रशासन से कहना चाहोगे कुछ अपनी विसल को लेकर? हाँ, इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए, तो मान लो एक खिड़की बंद रहे हमारी, एक ही से हम उतारें चढ़ाई, या कोई और सिग्नल, या फिर हमारे पास एक टिकट के लिए मशीन होनी चाहिए जी, जो ये हाँ जी वो जो टिकट वाली मशीन होती है जी, वो हमें इशू नहीं हो रही है जी, वो इशू नहीं। तो हरियाणा रोड में कहीं भी नहीं है वो? अभी है ही नहीं जी, अभी लागू नहीं है। हाँ जी, कैबिन नहीं, अभी हमारा कैबिन नहीं बना जी, बस में कैबिन भी होना चाहिए जी हमारा अलग अलग से। हाँ, पंजाब रोडवेज में जैसे अभी कैबिन बनाया है जी, हमारे इसमें रोडवेज में अभी कैबिन नहीं बनाया। और अपनी कोई बात बताना चाहें सरकार तक? बस यही है जी कि हमें ग्लव्स वगैरह डेली मिलते रहें, और सैनिटाइजर वगैरह जी, बस सैनिटाइज होती रहे जी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, बिना मास्क के बस में एंट्री है या नहीं है? लोगों से तो यही अपील है जी, एक तो बिना मास्क से घर से बाहर मत निकले जी, बहुत जहाँ जरूरी है तो आए, नहीं तो अपना घर ही रहें। आप कौन से रूट पे चलते हो? हम यमुनानगर अम्बाड़ा रूट पे चलते हैं। अम्बाड़ा रूट पे चल रहे हैं, तो अम्बाड़ा में भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो आना जाना लगा रहता है, तो फिर भी लोगों से अपील करेंगे कि बस में अगर यात्रा करें तो मास्क जरूर लगाएं। हाँ, मास्क जरूर लगाएं, और सर कम से कम घर से बाहर निकलें, कम से कम कि बहुत ही जहाँ जरूरी है तो जरूर आए, नहीं तो अपना घर रहें जी। ये वही बस स्टैंड है जहाँ पर इतनी चहलकदमी हुआ करती थी, इतनी सवारियाँ हुआ करती थी कि पूरा का पूरा ये जो यहाँ से वहाँ तक है सब भरा पड़ा होता था। संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जब सवारियाँ ना हो। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में तो यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरी जो है बसें तो लगी हुई हैं, लेकिन सवारियाँ जो हैं वो यहाँ से नदारद हैं। आपको लगातार तस्वीरें मैं हूँ यमुनानगर के बस स्टैंड से दिखा रहा हूँ। जहाँ कहाँ से आए हो? लेदी जाना है। लेदी जी। कितनी देर से यहाँ बस की इंतजार कर रहे हैं? मैं सर यहाँ से कर रहा हूँ 1:30-2 बजे से कर रहा हूँ वेट। बस नहीं है कोई? ये खड़ी है, 5:30 बजे जाएगी। अब बस में सफ़र करने को दिल करता है? नहीं करता सर, प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम होती है, वैसे भी होती है। अभी तो लगता होगा अभी वायरस नाचे पेट में ले ले। जी जी बिल्कुल। चलिए ये देख सकते हैं कि 1:30 बजे के बाद जो बता रहे हैं कि बस नहीं है, और भी यहाँ पर ये दिल्ली का रूट है, लास्ट में जो आप देख सकते हैं वो दिल्ली का रूट है। दिल्ली का रूट जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सिर्फ पानीपत तक है। कुछ लोग आप देख सकते हैं आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। तो कनेक्टर भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, वो कहाँ गए जो यहाँ पे मैनेजर थे, कहाँ गए? तो ज़रूरी सी बात है कि कोरोना जो वैश्विक बीमारी है उसके वजह से रोडवेज पर काफ़ी खासा असर पड़ा है, लोग जो हैं सफ़र करने में गुरेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस चीज़ के लिए लेकर काफ़ी सतर्क है कोरोना महामारी की वजह से। यमुनानगर बस स्टैंड की जो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई, आगे की और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए अच्छा 71। जय हिंद, जय भारत।